अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आईएनडी टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। एयरटेल की तरफ से कॉर्पोरेट ट्रॉफी के लिए मैराथन का 24 और 25 अगस्त को इनेकाद अमल में आएगा। कॉर्पोरेट इदारों के मुलाजमीन के लिए 15 लाख रुपए के इनामात रखे गए और 4 जमरों की इस दौड़ में 25,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और कमिश्नर साइबराबाद सीवी संजना ने मैराथन के लिए जारी करदा पोस्टर की रस्म अजरा अंजाम दी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुकर्रा औकात के खिलाफ वर्जी करते हुए शहर में दाखिल होने वाली हेवी व्हीकल्स के खिलाफ इस साल जनवरी से अगस्त तक 39,156 मुकदमा दर्ज किए। शहर में सुबह 8 बजे तक 10 बजे शब बसों और लारियों के दाखिले पर पाबंदी आयद है और उस पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। वाटर टैंकरों, खानगी बसों के ड्राइवरों और मालिकीन के अलावा ट्रैवल एजेंसियों के साथ कई इजलास भी मुनक़द किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव ने बताया कि खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि इस पाबंदी पर सख्ती के साथ निफास के नतीजे में हादसात में 10% की कमी हुई है। अवामी जिंदगियों के लिए खतरा बनने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी दर्ज किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहदा के इदारे यूनेस्को की एक टीम ने जूही हान की क़यादत में कल पुराने शहर के तारीखी और कदीम इमारत का दौरा किया, जिनमें चार मीनार और 4 महिला पैलेस भी शामिल हैं। टीम के हमरा जीएचएमसी के डायरेक्टर प्लानिंग के श्रीनिवास राव और दूसरे अहदेदार भी थे। यूनेस्को की टीम ने दबीपुरा दरवाज़ा और दारुशफा का भी दौरा किया। टीम को चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और मौजम जाय मार्केट की तजीनों के जारी काम से भी वाकिफ करवाया गया। टीम ने गुम्बदा ने कुतुब शाही और किले गोलकुंडा की सैर भी की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप बरखी बोर्ड के विजिलेंस स्क्वाड टीम ने आज याकूतपुरे के इलाके जात तालाबकट्टा, अमन नगर बी वगैरह में मकानात पर छापे मारे ताकि बरखी की चोरी का पता चला जा सके। मजलिस के सरगर्म कारकुन और एरिया सभा मेंबर हानी बिन मुबारक ने इत्तला मिलने पर विजिलेंस स्क्वाड से खूब बहस की और गरीब मकीनों को हिरासत करने पर एहतजाज किया। उनके इस एहतजाज के नतीजे में विजिलेंस स्क्वाड की टीमें इलाके से वापस हो गईं। उन्होंने कहा कि बरखी की चोरी का पता चलाना है तो उन्हें शहर के इंडस्ट्रियल एरिए या फिर कमर्शियल इलाकों का दौरा करना चाहिए जहां बरखी की सबसे ज़्यादा खपत और बरखी की सबसे ज़्यादा चोरी होती है। कमर्शियल में आप कर लिए तो कुछ भी होने का, कमर्शियल देख लो साहब, आप डोमेस्टिक नको साहब, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे डोमेस्टिक कमर्शियल देखने का कर लो। क्या है ना डोमेस्टिक एरिया में हम 4 दिन को उठा कर गेट गेट एरिया दिखेगा गरीबों का, वो तो अच्छा देना था। 4 दिन को उठा तो उधर ना साहब, आप किधर भी नहीं उधर ना इधर ना किधर भी नहीं साहब बैठा हाँ आप मेन रोड कमर्शियल में अरे बस आप कमर्शियल में क्या करते आप कर लो उससे नो प्रॉब्लम, हमको हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता कमर्शियल से। डोमेस्टिक में नको साहब, डोमेस्टिक में कौन से कहा बोले आप
आप कमर्शियल में क्या करते करने साहब, हमको उसका कुछ भी बॉर्डर नहीं होगा। मैं डोमेस्टिक में रखो साहब, आप कमर्शियल में चले जाइए, कुछ भी आप कोई ना रुका के आप कमर्शियल में क्या करते कर लो वो आपका है, मगर डोमेस्टिक एरिया में नको सर, प्लीज रिक्वेस्ट आप नको सर, डोमेस्टिक में नको सर। थैंक यू जी, पूरा जगह चल जाइए साहब, आप लोग पूरा जगह चल जाइए, चले जाइए आप लोग आपके लोग। करीमनगर के पुलिस कमिश्नर कमलासन रेड्डी ने कहा है कि रॉडी शीटर्स अगर अपनी मुजरमाना जिंदगियों को खैरबाद कर देंगे तो उनकी रॉडी शीट बंद कर दी जाएगी। वो कल पुलिस हेडक्वार्टर में रॉडी शीटरों के मेले से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज मुजरिमों को गलत नजर से देखता है और उनके समाज में कोई इज्जत नहीं होती, उनकी मुजरमाना जिंदगियों के बच्चों और घर वालों पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का तारुफ उनके बाप और उनकी जिंदगी से करवाया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने मेले से गैर हाजिर रॉडी शीटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस हर साल ऐसा मेला मुकर्रर कर रही है और रॉडी शीटरों को हर माह की पहली और 16 तारीख को पुलिस स्टेशन में तलब करके काउंसलिंग की जा रही है। गणेश त्यौहार के मौके पर आलूदगी को कम करने की सिमत सिद्धिपेट में शुरू करता एक छोटी सी पहल के मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं और ये कोशिश रियासत भर में पसंद की जा रही है। हर गांव में मुतद्दिद गणेश की मूर्तियों के बिठाए जाने से एतराज़ करने की साबिक वजीर टी हरीश राव की अपील पर मजबूत रद्द अमल का इजहार करते हुए मिटपल्ली ग्राम पंचायत ने अपने गांव में 10 की जगह सिर्फ एक गणेश की मूर्ति बिठाने का फैसला किया है। इसके बाद कुंडारा पल्ली, रामपुर, मचापुर और सुंदरा चेरला पल्ली माजाद की पंचायतों ने भी एक गांव में एक गणेश मूर्ति बिठाने का फैसला किया है। अब सिद्धिपेट असम्बली हलके के 80 माजाद में भी इस फैसले पर गौर खोज किया जा रहा है ताकि मूर्तियों से जो आलूदगी फैल रही है उससे माहौल को महफूज रखा जाए। तेलुगु फिल्मों के उभरते हुए अदाकार राज तरुण ने आज वजाहत की कि पीर की रात को अलकापुर टाउनशिप सर्कल के पास हादसे के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी। कार के हादसे के बाद पुलिस हादसे के बारे में मालूमात इकट्ठा करने में लगी थी और ये पता चला रही थी कि आखिर ये गाड़ी कौन चला रहा था। राज तरुण ने बताया कि वो अपने घर से निकले थे कि नारसंगी के पास अचानक कंट्रोल खो जाने पर उनकी गाड़ी रोड की दीवार से टकरा गई थी और उसके बाद वो गाड़ी को छोड़कर वहां से निकल गए थे। मंगूर मंडल जिले कुत्तागड़म के जंगलाती इलाकों में पुलिस के साथ झड़प में एक माओइस्ट हलाक हो गया। सुपरिटेंडेंट पुलिस सुनील दत्त ने बताया कि एनकाउंटर का वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस की एक टीम जंगलात में तलाशी की मुहिम पर थी। महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो सकी, ताहम यह तय है कि इसका ताल्लुक मंगूरू एरिया कमेटी से था। मरकजी वजारत फरोग वसायल इंसानी ने आज से मुल्क भर के 42 लाख टीचर्स की तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रीना राय ने स्कूल हेड्स और टीचर्स के लिए प्रोग्राम का अफ्तताह करते हुए बताया कि तालीमी मियार और रोजगार के मौक़ों में इजाफे के लिए ऐसा प्रोग्राम शुरू करना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह असातिज़ा हैं। वजीर फरोग वसायल इंसानी रमेश पोखरियाल ने मौके में एजुकेशन की वेबसाइट लॉन्च की। भगवन देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवन देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशंस फैसिलिटी एंड फार्मेसी। जूही क्लिनिक, थर्ड फ्लोर अबव रिलायंस ट्रेंड्स, बिसाइड डी मार्ट, टोली चौकी, शेखपेट, हैदराबाद।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान और जाम्बिया सिर्फ एक तर्ज की जमहूरी इकदार की तर्जुमानी नहीं करते बल्कि आपस में पार्टनर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जाम्बिया के दौरे कुनिदा सदर एडगर शिगु लिंगू के साथ दोनों ममालिक के दरमियान 6 माहदों पर दस्तखत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जाम्बिया के सदर हिंदुस्तान के 3 रोजा दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे थे। योर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट, योर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट एडगर लिंगू, जाम्बिया से आए अभी हमारे सभी सम्माननीय अतिथि, फ्रेंड्स नमस्कार, गुड आफ्टरनून। राष्ट्रपति लिंगू और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे अफ्रीका के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो नई सरकार बनने के बाद भारत यात्रा कर रहे हैं। यह प्रेसिडेंट लिंगू की भारत की पहली यात्रा भी और उसका स्वागत करने का हमें अवसर मिला है। भारत और जाम्बिया के संबंध जाम्बिया की आजादी से भी पुराने हैं। जाम्बिया भारत का महत्वपूर्ण मित्र और विश्वसनीय पार्टनर है। समान लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारा विश्वास है और विकास की साझा आकांक्षाओं को हम दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। हमारी व्यापक साझेदारी ट्रेड और कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और मजबूत सांस्कृतिक और जन संबंधों तक फैली है। फ्रेंड्स, आज प्रेसिडेंट लिंगू और मैंने अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर उपयोगी चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेड बास्केट में विविधता और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाने से दोनों देशों को लाभ होगा। डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंतर्गत एक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत अपने विकास के अनुभवों को आसान तरीके से साझा करता रहा है। हमें खुशी है कि इससे जाम्बिया के विकास में सहायता पहुंची है। यह संतोष का विषय है कि भारत के सहयोग से स्वास्थ्य, पावर जनरेशन तथा लुसाका में ट्रैफिक को आसान बनाने के प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति हो रही है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जाम्बिया में एक इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त भारत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 100 सोलर इरिगेशन पंप उपलब्ध कराएगा। हम जाम्बिया को 1000 टन चावल और 100 टन मिल्क पाउडर भेजेंगे। जाम्बिया खनिज संपदा से भरा हुआ देश है। अन्य खनिजों के अलावा भारत जाम्बिया से बड़ी मात्रा में तांबा लेता है। मिनरल रिसोर्स पर एमओयू माइनिंग के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और बढ़ाएगा। खनिज संसाधनों की खोज और उन्हें निकालने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। डिफेंस कोऑपरेशन पर आज एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह रक्षा के क्षेत्र में एक्सचेंजेज को बढ़ाएगा और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा। जाम्बियन आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम जाम्बिया में तैनात की जाएगी। भारत जाम्बिया एयरफोर्स बेस पर 5 फायर टेंडर्स की भी तैनात करेगा। मुझे खुशी है कि जाम्बिया ने हमारे टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती को ज्वाइन किया है। दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच
एमओयू से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। लोकतंत्र के नाते यह हमारा कमिटमेंट है। हमारे सहयोग से अफ्रीका के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन और प्रशासन को बल मिलेगा। हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग और एनर्जी में मौजूद अवसरों का उपयोग करने के लिए दोनों देशों में उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए। इंडिया जामिया बिजनेस फोरम की आज दोपहर में होने वाली बैठक इन क्षेत्रों में एंगेजमेंट बढ़ाने में सहायता करेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जामिया का स्वागत है। आर्थिक प्रगति और पर्यावरण के लिए सोलर एनर्जी का बहुत महत्व है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जामिया में भारतीय मूल का बड़ा समुदाय हमारे बीच एक मजबूत कड़ी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग इन संबंधों में नए आयाम जोड़ते हैं। जामिया के डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग में शामिल होकर हमें प्रसन्नता हो रही है। एक्सेलेंसी, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नई दिल्ली में आपकी उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है। मैं फिर एक बार आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। इट इज नाउ माय प्लेजर योर एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर मोदी, members of the press, ladies and gentlemen. First and foremost, let me profoundly thank the government and people of India for the warm welcome and generous hospitality accorded to me, my delegation, and all others in the entourage since our arrival in this beautiful historical city of New Delhi. I have just had a fruitful discussion with the Honorable Prime Minister Modi this afternoon, discussions which have enhanced cooperation between the two countries even further. And I look forward to the discussions with the Honorable President Kovindi later today, which will build on our discussions during his last visit to Zambia in April last year. From the outset, I wish to state that Zambia and India share excellent relations with support from India, focused in the areas of energy, health, infrastructure development, education, capacity building, agriculture, trade and investment, just to mention but a few. Projects being undertaken in Zambia today with the support of the Indian government include the Lusaka Traffic Decongestion Project, construction of 650 health posts across the country, construction of the Mahatma Gandhi Convention Center, establishment of the Entrepreneurship Cooperative Development Center, and the upgrading of the Mahatma Gandhi Primary School to secondary school level, among other projects. The people of Zambia are truly grateful for the generous support received over the years. My visit here has already started bearing fruits in that we have witnessed the signing of some important agreements in the field of defense, tele-education, telemedicine, arts and culture, elections, e-training and e-medicine, and mines, as well as between our two diplomatic training institutes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we look forward to the revival of the Zambia-India Joint Permanent Commission on Cooperation, which will take stock of the implementation of agreed areas of bilateral cooperation and will further explore new areas of cooperation. Private investment in Zambia by Indian companies currently stands at $5 billion, which has contributed positively to Zambia's development agenda in terms of job creation and economic diversification. Would like to see more Indian companies coming to partner with Zambian companies
as a result of this visit. Your Excellency, I'm happy to announce that apart from the government officials, I have been accompanied on this visit by a business delegation from Zambia who would like to partner with the Indian business community in various areas of interest. I am confident, and extremely confident at that, that the Zambia-India Business Forum, which is taking place today, will foster trade and investment linkages of mutual benefit to our two friendly countries. Evidently, India is an important and strategic partner in Zambia's quest for enhanced socio-economic development as articulated in our country's 7th National Development Plan. The said visit, therefore, will build on the achievements and enhance cooperation between the two countries even further. I therefore wish to reaffirm the Zambian government's commitment to enhancing the excellent relations and cooperation with India at both bilateral and multilateral levels for the mutual benefit of the people of our two countries. I thank you, Your Excellency. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Excellency. नायब सदस्य जमुरी एम वेंकैया नायडू ने जो तीन बाल्टिक ममालिक के 5 रोजा दौरे पर हैं आज कहा है कि हिंदुस्तान अपने दाखिली मामले में बिरूनी मदाखलत की इजाजत नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। वेंकैया नायडू लुथानिया, लातविया और एस्टोनिया के दौरे के दौरान वहां के सुदूर और वजीर आजम से भी मुलाकात की। योर एक्सलेंसी मैडम कर्सी कजराइट, President of the Republic of Estonia, members of the media, and my sisters and brothers. Thank you, Excellency, for your warm words of welcome and the generous hospitality extended to me and my delegation. I would like to convey my greetings to people of Estonia for the restoration of Independence Day, which was celebrated yesterday. I was very happy to be visiting Estonia, a successful democracy, a member of the European Union, and a nation which has been recognized as a digital state. Estonia has remarkable achievements to its credit. Estonia is a world leader with respect to many advanced technologies. India and Estonia shared a bilateral relationship based on common values such as democracy, rule of law, pluralism, and freedom. Although there are asymmetries in the size of our nations and of our economies, we believe that both India and Estonia share several complementaries which can become the foundation for a mutually beneficial interaction. India recognized Estonia in 1991 and established a diplomatic relations in 1992. However, the connection between our two countries goes back to history. As Estonia seafarer visited India in 18th century, publications about in Sanskrit were made by the University of Tartu in the year 1800s. Since the establishment of diplomatic relations, our two countries have exchanged official, business and ministerial delegations. We were privileged to receive the then President of Estonia, Mr. Lennart Gergo Meri, to India in February 1999. My discussions with the Honorable President Kajulaid this morning were wide-ranging. We reviewed bilateral relations and potential areas of cooperation. We exchanged our views about regional, multilateral, global issues and common interests. I congratulate Estonia on their election to the non-permanent membership of the United Nations Security Council for next year. In this context, we are looking forward to working closely with Estonia in the United Nations Security Council, President Kajulaid, and I agreed to strengthen the bilateral cooperation in trade and commerce, especially IT, e-governance, cyber security, innovation, and education. Our bilateral economic engagement, which has grown since the establishment of diplomatic relations, stand at US$172 million per annum, holds considerable potential for further growth expansion. There are immense opportunities for partnership between Estonia and Indian companies in programs such as Digital India,
Startup India and Make in India. In this context, I have invited the Estonian government to participate actively in the forthcoming India-Europe 29 Business Forum to be held 20th and 21st November in New Delhi, which is a focused event for strengthening cooperation between India and the 29 countries of Europe. I also encourage Estonian companies to consider manufacturing in India, both for Indian market and for the other markets, given India's strategic location in Asia. During our discussions today, we recognize the importance of building a global order based on respect for international law and national sovereignty. We reiterate our resolve to combat terrorism in all its forms and manifestations. We also discussed common concerns such as climate change and global warming. I invited Estonia to join the International Solar Alliance, in which India is playing a leading role in order to enable rapid deployment of solar energy globally and to facilitate transfer of technology. I am looking forward to my engagements with Prime Minister, His Excellency, Mr. Jüri Ratas, President of Rigiki Kyogo, Her Excellency Jens Poloos, and to interacting with the corporate sectors of both the countries at a business forum later in the evening. I am confident that my interactions with the Estonian leadership will provide a new depth and momentum to our ongoing bilateral cooperation. Excellency, you have been a generous and gracious host. I thank you and your government for the kind hospitality and for the wide-ranging interactions arranged for me. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. And I know we have one question for Mr. Vice President also. Mr. Vice President, you are on a historic visit to Baltic regions, and today in Estonia, has been held by the talks. How do you see India-Estonia relationship going forward keeping such relations? We are keen to have good relations with all. Secondly, we are keen to strengthen our relationship with the European Economic Union. Thirdly, these three Baltic countries, though they are small, culturally we have some affinity somewhere. Some people link it to Sanskrit, some people link it to our voyage of some people here, there, and now the newfound enthusiasm of the Indian students coming here and studying in these three universities of these three countries. And we are democracies, and we are peace-loving people, and we believe in parliamentary democracy. And there is vast scope for exchange of knowledge, particularly digitization. They are the leader. Though they're such a small country, they are really leading in that field. And then the other technologies also, they have their own strength. And we would like to come together, closer, interact, learn from each other's experience, and move forward. We would like to strengthen our relationship. जोएल रेफमैन ने आज हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल के अहदे का जायजा ले लिया। रेफमैन को जो बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अमरीकी सफारतखाने में डिप्टी चीफ मिशन से कैथरीन हड्डा की जगह नया कौंसल जनरल मुकर्रर किया गया है। उन्होंने हैदराबाद में अपने तकरीर पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वह हैदराबाद की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान आने वाले बरसों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इस काम में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के आवाम का भी भरपूर तावन हासिल रहेगा। जोएल रेफमैन अफगानिस्तान, पनामा और इस्लामाबाद में भी अमरीकी सिफारत खानों में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।